हेलो फ्रेंड्स, मैं तिलोक माउत आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्ट्रक्चर इन डिज़ाइन बाय तिलोक माउत में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको एक एपीएम आउटलेट को कैसे डिज़ाइन करते हैं मैं आपको एक्सेल शीट पे समझाता हूं, और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट क्या होते हैं वो भी इस यूट्यूब वीडियो में आपको सिखाता हूँ। पहले अपन देखते हैं कि आउटलेट कैसा होता है फील्ड के अंदर। फ्रेंड्स, ये एक फोटोग्राफ है आउटलेट की, जिसमें आप देख सकते हो कि ये आउटलेट है यहाँ से, और यहाँ से सीधा पानी वाटर कोर्स में जा रहा है। और भी कुछ पिक्चर्स हैं लाइक दैट। ये खाली नहर के अंदर आउटलेट दिख रहा है, ये एक आउटलेट मशीन है, इसको एपीएम बोलते हैं, एडजस्टेबल प्रोपोर्शनल मॉड्यूल। ये सेमी मॉड्यूलर टाइप के ही आउटलेट होते हैं, इनको डिज़ाइन करना बड़ा इजी होता है। विदाउट एक्सेल डिज़ाइन करेंगे तो इसमें हिट एंड ट्रायल के द्वारा काफ़ी टाइम लगेगा, तो मैंने इसके लिए एक सॉफ्टवेयर तैयार कर दिया है जिसमें आपको केवल डिजाइन डाटा ही फीड करेंगे तो अपने आप इसका पी फॉर्म जनरेट हो जाएगा। चलो देखते हैं कैसे इसको हम बनाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, देखिए ये डाटा है जो मैंने कि नहर के एल सेक्शन से लिए हैं, टेक्निकल शाखा में मिल जाते हैं। चक्का नाम क्या है, 3 dBm, नेम ऑफ माइनर, डोबी माइनर, लोकेशन, लोकेशन मतलब कहाँ ये मुगा आउटलेट अपने को लगाना होता है। यूनिट RD में लिए गई है, CCA दिया हुआ है, एकड़ के अंदर CC है, FSL भी अपने कॉपी करेंगे, FSL वाटर कोर्स भी ले लेंगे, डिजाइन फैक्टर, डिस्चार्ज, एवरीथिंग वी पुट फ्रॉम इट वैल्यू एल सेक्शन। ये देखो दोस्तों, मैंने FSL ऑफ कैनाल और FSL वाटर कोर्स मैंने एल सेक्शन से पुटअप कर लिए हैं। अब देखते हैं कैसे डिजाइन करते हैं एपीएम आउटलेट को। फर्स्ट ऑफ ऑल, नेम ऑफ चक 3 dBm, dBm ये चक का नाम है, dBm मतलब डोबी माइनर, आउटलेट एपीएम कैनाल RD, यहाँ से देखो मैंने कैनाल डाटा से लिए हुए हैं, 6300 R, आर मतलब राइट साइड में यह आउटलेट लगेगा। बड़ा ही सिंपल प्रोसीजर है। CCA एकड़ में मैंने लिया हुआ है, यहां से मैं CCA पुटअप करता हूं। दोस्तों, अगर अपने लेने चाहें लेंथ ऑफ वाटर कोर्स तो अपने कंसिडर कर सकते हैं, एज पर अलग अलग एरिया में अलग अलग रूल होते हैं। अगर जैसे मेरे एरिया में अगर लेंथ है कंसिडर नहीं करते हम, अगर लेंथ कंसिडर करते हैं तो इसमें क्या होता है, जितना एरिया लेंथ का होता है उसको हम डिडक्ट करते हैं CCA में से। वैसे तो कहीं भी नहीं लिया जाता ये, अगर कोई फोर्स करे तब लेना पड़ता है अपने को। टोटल लेंथ ऑफ वाटर कोर्स अपने नहीं कंसिडर कर रहे हैं इसको, वाटर कोर्स इन कमांड वो भी कंसिडर नहीं कर रहे, एरिया हो वाटर कोर्स वो भी अपने कंसिडर नहीं कर रहे। अपने चलते हैं नेट CCA पे। अब देखो दोस्तों, जैसे नेट CC आ गया 825.75, तो इसके अनुसार जो डिस्चार्ज आता है वो 2.23 आ गया। कैसे आया, प्रति हजार एकड़ पे इसका डिज़ाइन डिस्चार्ज होता है 2.70, उससे कैलकुलेशन करने पे मेरा ये डिस्चार्ज आ गया। FSL ऑफ माइनर मैंने डाटा यहाँ से पुट कर लिया, सॉरी दोस्तों, एपिसल ऑफ सिस्टम। एपिसल ऑफ सिस्टम क्या होता है, अगर अपने आउटलेट को किसी कुएं आउटलेट को नहर से कुएं में शिफ्ट करते हैं तब अपने एपिसल ऑफ सिस्टम लेते हैं। इसमें क्या करते हैं, जनरली अगर 10 मीटर का पटड़ा है तो उसमें अपने 5 सेंटीमीटर एपिसल डाउन कर देते हैं सिस्टम के लिए। एपिसल ऑफ वाटर कोर्स डिजाइन डाटा है, अपने चक प्लान से इसको कंसिडर किया जाता है, तो यहाँ से मैंने वैल्यू ले ली इसकी। FSDO माइनर, फिर तो नहर का एल सेक्शन होता है उससे अपने FSDO माइनर ले लेंगे। ये सब मैं काम कर रहा हूँ फिट के अंदर, बिकॉज जो मेरा आउटपुट वो क्यूसेक में आता है, क्यूबिक फिट पर सेकंड, तो जितना भी मैं कार्य करूँगा सब फिट के अंदर ही करूँगा। वाटर कोर्स की FSDO लगभग 1 फिट रखी जाती है, जब कोई वाटर कोर्स डिजाइन करते हैं तो उसके FSDO अपने 1 फिट रखते हैं। वर्किंग हेड आ जाता है FSL ऑफ वाटर कोर्स, सॉरी FSL ऑफ माइनर माइनस FSL ऑफ वाटर कोर्स, जिससे 1 फिट का FSL आ गया। बेड ऑफ माइनर, बेड ऑफ वाटर कोर्स अपने आप या मेरे सॉफ्टवेयर ले लेगा। अब क्या करना है, अपने को ओनली BY चूज करना है कि अपने BY क्या रखे ताकि आउटलेट डिजाइन हो जाए। एज फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया, B ले ली
32 पॉइंट। जनरली क्या रखते हैं कि बी और वाई का जो रेशियो है दोगुना लेते हैं, बी जितना होगा वाई उसका दोगुना लेते हैं। ये कोई थंब रूल नहीं है, ये अपने अनुसार ले लेते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है कि अपने ये रखें, मैं कुछ भी रख सकता हूँ। जैसे मैंने पॉइंट पॉइंट 32 रखा, पॉइंट 64 रखा, मैं इसको अलग भी कर सकता हूँ, जैसे पॉइंट 25 पॉइंट 60 फिट के अंदर है वैल्यू दोस्तों, ये हो गया। अब मेरा सॉफ्टवेयर मैंने सेट कर रखा है जो ये अपने आप सबकी वैल्यू ले लेगा। अगर आपको लगता है कि यहाँ चेंज आया हुआ है तो इसके अनुसार अपना डिजाइन फेल है, तो अपने इसको रीडिजाइन करते हैं। दोस्तों दोस्तों इस वीडियो में जब वैल्यू मैंने वाई की पुट की 0.64, वी की 0.32, तो ये दिखा रहा है, एरर दिखा रहा है, चेंज चेंज चेंज। इसका मतलब अपने को जो बी वाई वैल्यू है वो चेंज करनी पड़ेगी। हिट एंड ट्रायल मेथड अपने आप इसमें पुट करके देखता हूँ। जैसे मानो मैंने पुट कर दिया 0.40, फिर से चेंज, देखो अब क्रस्ट लेवल और HM की वैल्यू फिर चेंज मांग रही है, तो मैंने कुछ और बढ़ा दिया इसको, जैसे 0.80 किया। अब देखिए सभी कंडीशन ओके हो रही है, इसका मतलब इट मीन्स माई डिजाइन इज वेरी गुड। ये देखो जैसे पी फॉर्म जो होता है आउटलेट का, वो मैंने फॉर्मेट सेट कर रखा है, इसमें अपने आप वैल्यू आ जाएगी डिजाइन और प्रपोज। अगर जैसे आपने फर्स्ट टाइम किसी आउटलेट को लगा रहे हैं तो डिजाइन करेंगे उसी डिजाइन को हम प्रपोज कर रहे हैं, इसलिए मैंने डिजाइन और प्रपोज साथ साथ लिखा है ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं हो। नेम आउटलेट पर यहाँ से पुट कर सकते हो। ये दोस्तों ये बड़ा सिंपल प्रोसीजर है, आप इस तरह डिजाइन कर सकते हो। दूसरा प्रैक्टिकली आप ये ध्यान रखें कि जो मोगा जो आप लगाओगे FEM लगाओगे वो फील्ड में फ्री फ्लो कंडीशन में ही होना चाहिए, वरना वो डिस्चार्ज कम देगा। मैंने प्रैक्टिकल कर करके देखे हैं, अगर सबमर्ज कंडीशन लगा तो पानी नहीं निकलेगा, फार्मर आपको बार बार शिकायत करेंगे पानी कम निकालने की। ठीक है दोस्तों, तो आप जाओ फील्ड में डाटा लो और ये देखो कि अपना जो आउटलेट है वो फ्री फ्लो कंडीशन लग रहा है या नहीं लग रहा है, इसके लिए आप ध्यान रखेंगे। ठीक है सर, ये पूरा फॉर्मेट है, इसको मैं लिंक में डाल देता हूँ, आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, बड़ा ही ईजी है। प्रैक्टिकली अगर आप चाहते हो इसके बारे में लिटरेचर पढ़ें तो लिटरेचर मैंने यहाँ से डाल रखे हैं, ये भी डाल देता हूँ मैं इस वीडियो में। ये केयर अरोड़ा जो बुक है इंजीनियरिंग की, सोयल इंजीनियरिंग की जो बुक है, सॉरी इरीगेशन की जो बुक है केयर अरोड़ा की, उसके पेज नंबर 921 पे है, करम्स मॉड्यूल अप्रोक्सीमेट। इसमें जो वैल्यू दी गई है वो MKS में दी गई है और मैंने जो कन्वर्ट कर रखा है उसको FKS में कन्वर्ट कर रखा है। ठीक है दोस्तों, ये थोड़े से मैंने डिजाइन फॉर्मूले भी लिखे हैं, जैसे डिजाइन होता है 7.3 BY CH अंडरूट CH, जैसे B होती है विड्थ ऑफ APM मशीन, Y होती है डेप्थ ऑफ APM बैक साइड की होती है, CH H-Y, H जो होता है कितना पानी कस्ट प्लेट से ऊपर चल रहा है, H जो होता है HM मिनिमम मॉडल हेड की कंडीशन होती है, इसकी वैल्यू 0.05 से कम नहीं होनी चाहिए किसी भी कंडीशन में। सॉरी मैंने यहाँ गलत लिखा है, सॉरी कुछ कंडीशन होती हैं जिसके द्वारा आउटलेट को डिजाइन किया जाना चाहिए। अगर इसे हटके डिजाइन करते हैं तो पानी कम निकालेगा और कास्ट खराब से बार बार शिकायत करते रहेंगे, इसलिए ये है जो कंडीशन जो है वो फॉलो होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि सी ऑफ डिजाइन कैसे किया जाता है। आप पता होना चाहिए जब टेल के ऊपर जब मोगा लगाते हैं उसको सी ऑफ ही लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, किस लिए लगाते हैं, ये भी मैं अगली वीडियो में आपको सिखाऊंगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट करें मुझे आगे क्या करना चाहिए। थैंक यू।